मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। आपका सिर दक्षिण में कर दो, ठीक है, पृथ्वी का दक्षिण में आपका सिर कर दो। तो आपका सिर तो नॉर्थ हुआ और पृथ्वी का दक्षिण हुआ, साउथ हुआ। तो आपका नॉर्थ माने उत्तर और पृथ्वी का दक्षिण, ये दोनों एक दिशा में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, एक बल आपको खींचेगा। और अगर आपके शरीर पर खिंचाव पड़ेगा, मान लीजिए आप लेटे हैं और ये पृथ्वी का दक्षिण है और इधर आपका सिर है, तो आपको खींचेगा अगर कोई, तो शरीर थोड़ा सा बड़ा होगा। जैसे रबर खींचती है ना, इलास्टिसिटी, ऐसे ही शरीर में थोड़ा सा बढ़ाव आएगा। जैसे ही शरीर थोड़ा सा बढ़ा तो बॉडी में रिलैक्सेशन आ गया। आप अंगड़ाई लेते हैं ना, एकदम शरीर को तान देते हैं, फिर क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शरीर को ताना तो उसके बाद शरीर में थोड़ा बढ़ाव आया, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो इसलिए भागवत जी ने कहा कि दक्षिण में सिर करेंगे तो शरीर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उत्तर में सिर करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन है। फोर्स ऑफ रिपल्शन में शरीर पर दबाव पड़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में खिंचाव पड़ता है। खिंचाव और दबाव एक दूसरे के विपरीत हैं। दबाव से शरीर में संकुचन आएगा तो खिंचाव से शरीर में थोड़ा सा फैलाव आएगा। तो फैलाव है तो आप सुखी नींद लेंगे, और उस पर दबाव है तो नींद नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुत बेहतरीन विश्लेषण दिया है। यह विश्लेषण मैं मानता हूं जिंदगी के सारे मानसिक रोगों को खत्म करने का अकेला है सूत्र। नींद अच्छी अगर ले रहे हैं आप, तो समझ लीजिए दुनिया में बहुत सारी चीजें आपके शरीर से बाहर। भोजन अच्छा है, नींद अच्छी है, और क्या चाहिए? तो आप नींद अच्छी लें, ब्रेन हमेशा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे रहे, इसके लिए दक्षिण में सिर करके सोना बहुत अच्छा, और नहीं तो पूर्व में करना। अब पूर्व क्या है? पूर्व के बारे में पृथ्वी पर रिसर्च करने वाले सब वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्व न्यूट्रल है। पूर्व जो है ना, न्यूट्रल है, ना तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा, ना फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और अगर है भी तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। इसलिए पूर्व में सिर करके सोएंगे तो न्यूट्रल आप भी रहेंगे, तो आसानी से नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी। पश्चिम का आप पूछेंगे जी, पश्चिम के लिए अभी रिसर्च होना बाकी है। भागवत जी मौन है उस पर, कोई एक्सप्लेनेशन देकर नहीं गए हैं, और आज का साइंस भी लगा हुआ है, कोई रिसर्च अगर आ गई तो मैं जरूर आप तक प्रेषित करूंगा पश्चिम के बारे में। सोने के हिसाब से वैसे तो बहुत रिसर्च हो चुकी है पश्चिम पर, वास्तु वालों ने बहुत काम कर लिया है कि पश्चिम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन सोने के हिसाब से, स्लीप के हिसाब से, जो सूत्र में बात कर रहा हूं, वो रिसर्चेस पश्चिम पर कम हुई है। पूर्व पर हो चुकी हैं, दक्षिण पर बहुत हो चुकी हैं, उत्तर पर तो सबसे ज्यादा हो चुकी है। तो ये तीन दिशाओं को ध्यान में रखना है सोते समय, माने पूर्व में सिर करके सोए तो बहुत अच्छा, नहीं तो दक्षिण में। अब इसके आगे का सूत्र और भी मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। भागवत जी कहते हैं कि किनको पूर्व में सिर करके सोना और किनको दक्षिण में, उन्होंने कैटेगरी बना दी। तो वो कहते हैं जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो गृहस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं, जो दुनिया की मोह माया से दूर हैं, इन सबको पूर्व में ही सिर करना हमेशा। और जो दुनिया चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, पत्नी के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ, उनको दक्षिण में ही सिर करना। अब यहां बिल्कुल क्लियर हो गया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप जितने लोग हैं सब अपना परिवार चलाने वाले, घर गृहस्थी चलाने वाले, दुनिया चलाने वाले लोग हैं, तो आप तो आज ही अपने बेड की पोजीशन बदलो, दक्षिण में सबके सिर होने चाहिए बेड के। और मेरे जैसे लोग जो शादी नहीं करते, ब्रह्मचारी हैं वगैरह वगैरह, इनको पूर्व में ही सोना। साधु जी, साध्वी जी, जो भी हैं जिनको अपने जीवन में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, साधु महात्मा संत, इनको पूर्व में ही सोना है सिर रख के। और आप जैसे लोग जिनको घर गृहस्थी चलानी है, दक्षिण। अब यहां कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, आप अपना याद रखो, मैं मेरा याद रखता। अच्छा, आज के लिए इतने ही सूत्र, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। साउथ डायरेक्शन
सेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कहा आपने, सिर के लिए हाँ. तो शरीर की खिंचाई होती है, तो क्या जिन बच्चों की हाइट कम है उनको कंपलसरी हम साउथ फेसिंग जरूर सुलाइए ताकि उनकी हाइट बढ़े? जरूर सुलाइए. जिन बच्चों की लंबाई आपको कम लग रही है आप हमेशा उनका सिर दक्षिण में रख के सुलाइए, थोड़े 3-4 साल के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा हाइट बढ़ने का, लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देगी.